जम्मू कश्मीर के पुलवामा में मंगलवार को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि मुठभेड़ के दौरान एक पैरा कमांडो समेत दो सेना के जवान भी शहीद हो गए, जबकि एक अन्य सैनिक घायल हो गया। सेना और आतंकियों के बीच ये मुठभेड़ पुलवामा जिले के रत्नीपोरा इलाके में हुई, जहां आतंकियों के खिलाफ अभियान में जुटे सुरक्षा बलों की टीम पर आतंकियों ने गोली चला दी। उसके बाद सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई में फायरिंग शुरू कर दी। एक सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों को घाटी में जैश ए मोहम्मद के आतंकियों की गतिविधियों के बारे में सूचना मिली, जिसके आधार पर उन्होंने इलाके में दबिश दी थी। सर्च ऑपरेशन के दौरान ही आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर गोलियां चला दी, जिससे मुठभेड़ शुरू हो गई। लेकिन कुछ स्थानीय लोगों ने पत्थरबाजी करके सुरक्षा बलों के काम में बाधा डालने की कोशिश भी की। इतना ही नहीं, पत्थरबाजों ने पुलवामा में कई स्थानों पर सुरक्षा बलों की आवाजाही को भी प्रभावित करने की कोशिश की। इसलिए प्रशासन ने एहतियातन घाटी में इंटरनेट सेवाओं पर भी रोक लगा दी। साथ ही बनिहाल बारामूला रेल सेवा को भी अगले आदेश तक बंद कर दिया है। मारे गए आतंकी की पहचान गंडीपोरा पुलवामा के हिलाल अहमद राठौर के रूप में हुई है। वो 6 फरवरी 2018 को हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल हुआ था। मुठभेड़ की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में आतंकी समर्थक तत्वों ने भड़काऊ नारेबाजी करते हुए सुरक्षा बलों पर पथराव शुरू कर दिया। वो आतंकियों को बच निकलने का मौका देने के लिए सेफ पैसेज चाहते थे, लेकिन सुरक्षा बलों ने संयम बनाए रखा। उन्होंने पथराव के बीच ही आतंकियों की गोली का जवाब गोली से दिया। लेकिन जब पथराव की तीव्रता बढ़ने लगी तो उन्होंने भी आतंकी समर्थक हिंसक तत्वों को खदेड़ने के लिए लाठियों व आंसू गैस का सहारा लिया। हिंसक झड़पों में 3 लोगों के जख्मी होने की सूचना है। संबंधित सूत्रों की माने तो पथराव की आड़ में 2 आतंकी मौके से भागने में कामयाब रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।